हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और प्रजा न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका अगर आप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यूज करती हैं तो वो किसी अमृत से कम नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने प्रजा न्यूट्रिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकती हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चिया सीड, यह इंडिया में ग्रो नहीं होता है लेकिन इसके अनेक फायदे हैं। चिया सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। वैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही कम फूड में पाया जाता है जैसे कि फिश, लेकिन अगर हम फूड को रॉ फॉर्म में लेते हैं तभी ओमेगा 3 फैटी एसिड की पर्याप्त अमाउंट हमें मिल पाती है। लेकिन मैंने बताया है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बेबी के सिर्फ ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो आप ट्राई ये करें कि ज्यादा कुक्ड फूड ना लें। अगर आप फिश को कुक करके यूज करती है तो बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा लेकिन आपके हेल्थ को हार्म करेगा, क्योंकि कुक करने से आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो अमाउंट है वो लॉस हो जाता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा सोर्स चिया सीड में होता है और हम इसे सोक करके ही खाते हैं, इसे कुक नहीं करते, जिससे इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का अमाउंट लॉस नहीं होता है और आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। चिया सीड को सोक करके खाने से आपका टम्मी भी सेटिस्फाइड हो जाता है। चिया सीड हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है, मीन्स कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का केस है तो अगर आप चिया सीड यूज करती हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा और चिया सीड में गुड फैट होता है। अगर आप गुड फैट लेती हैं तो बैड फैट कम हो जाता है। चिया सीड खाने से बेबी और मदर दोनों के हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होता है। अगर आप ब्लड शुगर से सफर कर रही हैं और आप प्रेग्नेंट भी है, मीन्स डायबिटीज की वजह से आपके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमारा डाइट बढ़ता है, और प्रेगनेंसी में अगर आप हाई कैलोरी रिच फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेती हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ता है और इस सिचुएशन में बच्चे को गेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आप अपने डाइट में चिया सीड को ऐड कर सकती हैं। चिया सीड आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और गेस्टेशनल डायबिटीज का जो खतरा है उसको भी कम करता है और बेबी हेल्दी भी होगा। चिया सीड में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होता है जो कि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। इतना ही नहीं, अगर आपका स्किन डैमेज हो रहा है तो उसके लिए भी चिया सीड रिपेयर का काम करता है और डैमेज टिश्यू को भी ये अंदर से हील करता है। अगर आपका स्किन सनलाइट से डैमेज हो रहा है तो उसके लिए भी ये रिपेयर का काम करता है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर आप इसका यूज करती हैं तो आपके बेबी का स्किन भी अच्छा होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद फिट दिखना चाहती हैं तो अपने प्रेगनेंसी डाइट में चिया सीड को अवश्य ही ऐड कर लें, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है जिससे आपके मसल्स का डेवलपमेंट ठीक से होगा और आपके शुगर लेवल को भी ये मेंटेन करता है। इसमें गुड क्वालिटी ऑफ फैट भी होता है जो कि आपके वेट प्रेगनेंसी में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि गुड फैट आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और इसका यूज करने से आपका टम्मी भी सेटिस्फाइड हो जाता है और बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सही होता है। इतना ही नहीं, डिलीवरी के बाद वेट कम करना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वुमेन को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता ही है। अगर आप चिया सीड का यूज करती हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और फाइबर फूड को बल्कि बनाता है जिसकी वजह से फूड इजी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, चिया सीड के सेवन करने से आपके बेबी का बोन भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि चिया सीड के सेवन से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन ब्लॉटिंग नहीं होगा तो आपके शरीर में एसिडिटी नहीं बनेगा और एसिडिक ब्लड बोन को मजबूत नहीं होने देता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर चिया सीड का आप यूज करती हैं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब मैं बात करती हूँ कि चिया सीड जो है हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, लेकिन चिया सीड के जैसा ही एक प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, उसका नाम है फ्लैक्स सीड। वो आसानी से आपको मार्केट में मिल भी जाता है। इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो चिया सीड से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फ्लैक्स सीड आपको अपने पास के मार्केट में भी ईजी से मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में फ्लैक्स सीड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इसका कुछ ड्रॉबैक है
जैसे फ्लैक्सीड का जो नेचर होता है वो गर्म होता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हार्म कर सकता है। वहीं चिया सीड का नेचर ठंडा होता है, और सबको पता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वुमेन को ठंडे फूड का सेवन ज्यादा करना चाहिए, यह वुमेन और बेबी दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं फ्लैक्सीड का दूसरा ड्रॉबैक है, जैसे ये गर्म होता है, अगर हम इसको पानी में कुछ देर के लिए भिगा के रखते हैं जिससे उसका गर्मी कम हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक सोक करने के बाद इसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है और आपको फ्लैक्सीड खाने में आनंद भी नहीं आएगा और ये फ्रेश फील भी नहीं होगा आपको। वहीं दूसरी तरफ चिया सीड ठंडा होता है और उसको बेटर यूज करने के लिए आप पानी में सोक कर सकती हैं, तो उसमें कोई स्मेल भी नहीं आता है और सोक करने से वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है, जिससे आपका स्टोमक जल्दी फुल हो जाता है और आपका वेट में वाटर वेट या बैड फैट भी ज्यादा नहीं होता है और आफ्टर डिलीवरी वेट लूज करना आसान हो जाता है। तो ये सब रहा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकती हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।